पहुंच गए इनवरनेस। इनवरनेस में देखिए मेरे कमरे से जो व्यू है अभी वो ये है। सामने नदी है, बहुत ही सुंदर सा शहर है। तो यहाँ पे हमारा प्लान है 2 दिन रुकने का। कल अभी क्रूज है एक और फिर मैं और रुकूंगा उसके बाद। तो दिक्कत क्या होगी कि यार बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा अगर मैं एडिनबरा जाऊंगा तो फिर बारिश में भीग जाऊंगा, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ थोड़ी बारिश कम है और प्लस मेरी एक्टिविटी बुक थी ऑलरेडी कल सुबह की क्रूज़ की, तो मैंने कहा चलो आज आराम से चलते हैं इनवरनेस। और ट्रेन जर्नी यार इतनी सुंदर ट्रेन जर्नी थी ना, मतलब बहुत ही फाड़ू ट्रेन जर्नी थी। और इसलिए मैं दिन में आया ताकि रात से मैं जो भी व्यूज़ हैं वो देखते देखते आऊँ। और अभी पहुँचा हूँ, अभी बजे हैं 3:30 बजे हैं अभी, और देखिए आप बाहर एकदम अंधेरा है। तो बस आज की शाम है यहाँ पे ना, और सुबह मतलब चेकआउट कर दूंगा इस हॉस्टल से और जाएंगे हम क्रूज पे। तो यहाँ पे ना लेक को बोलते हैं लोक, LOCH। तो यहाँ पे लोकनेस है, उसका अलग से एक कहानी है, कोई डीमन वीमन की राक्षस वगैरह की कहानी है, बताऊंगा आपको मैं कल। तो अभी बस मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ कि अब हम ग्लासगो से एडिनबरा नहीं गए, हम ग्लासगो से इनवरनेस आ गए तकरीबन 3-4 घंटे की ट्रेन जर्नी करके। तो कल आपको मैं दिखाऊंगा इनवरनेस। ये देखो यार सुबह के 9 बज चुके हैं और कोई अता पता नहीं है सूर्य देवता का। ये सारा दिन ऐसे ही रहता है और 3 बजे हो जाता है अंधेरा। तो अभी हम जा रहे हैं बस पकड़ने अपने टूर के लिए, यहीं कहीं बस स्टैंड है पास में, तो वहाँ जाके शुरू करते हैं बाकी वीडियो को। तो ये है इनका बस स्टॉप है छोटू सा, और ये खड़ी अपनी बस वो पीछे लोकनेस क्रूज। तो कहानी बताते हैं आपको पूरी लोकनेस की, क्या है वो डेविल वेविल जो डीमन है, मिथ है मतलब एक तरह का, नेसी बोलते हैं उसको। तो पहले यहाँ चेकिंग कर लेते हैं टिकट दिखा के अपनी। The owner is slightly eccentric, so don't annoy him or he'll tell you where to go. लो जी बस से उतर गए और अब आ रही है फील की हाँ भाई आए हैं स्कॉटलैंड में। ये जो मिस्टी मिस्टी था पूरा वेदर हो रहा है, इधर सामने ही है लोकनेस। तो चलते हैं बोट पे और ऐसे पूरी मिस्ट से कवर्ड होगी सारी की सारी लेक, मजे आएंगे। ये खड़ा है अपना क्रूज, तो देखते हैं इसमें ऊपर खड़े होना अलाउड है कि नहीं, पता नहीं अंदर ही ना बैठना पड़े फिर तो मजे नहीं आएंगे। तो ऊपर आना तो अलाउड है लेकिन ये सब इतनी गीली हैं कुर्सियां कि यहाँ पे बैठना नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या करना है भाई, पर फील तो है, वाइब तो है। तो चल पड़ा अपना जहाज, मैंने मेरे पास पेपर था मैंने उससे साफ कर ली सीट ना गीली गीली और बैठ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा है। और 1 घंटे की शायद राइड है इसमें क्रूज में, फिर हम पहुँच जाएंगे कासल में। और राइड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि इस लेक में कोई मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम नेसी है। तो उसकी कहानी है बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, थोड़ी सी राइड हो जाए लेक थोड़ा सा तभी बताता हूँ। तो यार ये देखिए अभी हमारी जो लेक है वो वाइड हो गई है, मतलब अब लेक में पहुंचे हैं हम एक्चुअली। पहले तो इट्स लाइक अ पैसेज और अभी हम पहुंचे हैं लेक में। कितनी सुंदर लेक है यार ये, आज मौसम भी बड़ा अच्छा सा हो रहा है, मतलब धूप नहीं है बट फिर भी अच्छा लग रहा है ये मौसम।
तो यार बात कर लेते हैं इसी कहानी के बारे में कि कहानी क्या है नेसी की। तो थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ, व्यूज़ वगैरह मेरी शक्ल क्या ही देखोगे। तो यहाँ पे क्या सीन था कि बहुत साल पहले यहाँ पे किसी ने एक बड़ा सा कुछ देख लिया, और फिर वो वैसे कहानी बन गई कि भाई यहाँ पे अंदर एक मॉन्स्टर रहता है लेक के अंदर। क्योंकि क्या बता रहा है ये, अच्छा ये कासल आ गया भाई बीच में। चुप कर जा यार, ये कितना सुंदर नजारा है देखो। हाँ तो हम बता रहे थे भाई कहानी। अरे यार चुप कर जा, चुप ही नहीं कर रहा ये। अच्छा चलो चुप कर गया अब फाइनली। तो यहाँ पे क्या था कि बोल रहे थे भाई अंदर कोई मॉन्स्टर रहता है, और फिर वो उसकी कहानी चलने लग गई कि हाँ भी रहता है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा। और फिर उसका नाम पड़ गया नेसी। मतलब ये बहुत टाइम तक चलती रही कहानियाँ। फिर एक फ़ोटो भी खींची किसी ने, वो आप गूगल करोगे कभी आपको दिख जाएगा। ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं झूठी, कोई नेसी वैसी है नहीं अंदर इसके। लेकिन मतलब वो मशहूर हो गया फिर, तो इसीलिए मतलब काफ़ी सारे शोज़ में भी आया है मेरे ख्याल से। बिग बैंग थियरी में आया, स्कूबी डूबी डू में भी आया, काफ़ी मशहूर है ये। नेसी बोलते हैं इसको, लोक नेस का। तो अभी ढूंढते हैं, देखते हैं मैं दिखता कि नहीं दिखता नेसी कहीं पे। थोड़ा सा सूरज भी बाहर आया है तो कलर्स बड़े शानदार हो गए हमारे सामने, कितना सुंदर है ना नज़ारा। तो अभी 1 घंटे की राइड है, फिर हम एक कासल में पहुंचेंगे, वो कासल भी देखेंगे और फिर वापसी करेंगे। तो ये जो टूर है दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द टूरिज्म बोर्ड है यहाँ का, उन्होंने कराया है। सही करा दिया यार ये। चलो नेसी को ढूंढते हैं, कुछ दिखता क्या आपको, नहीं दिखता बताना मुझे आपको। क्या पता है फुटेज में कहीं मेरे को ना दिख रहा हो, आपको दिख जाए, दिखे तो कमेंट करना कि अरे इस टाइम स्टैम्प पे हमें नेसी दिख गया। यार कितने सुंदर सुंदर से गांव है ना, मतलब नॉर्वे में भी देखे थे हमने। ये ऊपर जितना आ जाओ ना नेचर में, कहीं भी रह लो, चाहे आप हिमालय में रह लो, नेचर मतलब इसलिए मेरे को पसंद ही नहीं है शहर। ऐसे रहो ऐसे खुले खुले पहाड़ों में, मैदानों में, तो ही लाइफ का मज़ा है। तो यार ये जो कंपनी है जैको बाइट्स का नाम है, इसकी एक ट्रेन भी चलती है फोर्ट विलियम से मलायक, मलायक से फोर्ट विलियम। तो जो हैरी पॉटर वाली ट्रेन है जो स्टीम इंजन है वो चलता है, वो जैकोबाइट कंपनी का है। लेकिन वो बंद रहता है सर्दियों में, नवंबर से मार्च तक आई गेस बंद रहता है। तो आपको मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा, बट आई विल शो यू द सेम रूट, आपकी जो उस सेम रूट पे ट्रेन चलती है, जो ब्रिज है वो सब आपको दिखाऊंगा आने वाले व्लॉग्स में मैं। अभी ये 12 बजे तक का है, मतलब ये क्रूज़ है 1 घंटे का, फिर वो कासल है थोड़ी देर 1 घंटे की शायद, और फिर वापसी है। तो इन्वरनेस इसके बाद मैं आपको शहर भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वो जो हैरी पॉटर है और फ्लांट इमकान, बहुत सुंदर जगह जगह है, मतलब स्कॉटलैंड इज़ वे वे ब्यूटीफुल, बहुत कुछ जगह है यहाँ पे, बहुत कुछ है देखने के लिए, वो सब अगले वीडियोस में आएगा। लो भी पहुंच गए कासल पे, तो मेरे ख्याल से वहां पे डॉक होगी अपनी बोट ये, और फिर इसको घूमेंगे आधा पौना घंटा। धूप चलेगी यार वापस, मुझसे ठंड होगी। तो जी इसकी होगी बाय बाय, और अभी चल रहे हैं हम इधर कासल देखने, इसके बाद बस में जाएंगे वापस। ये पता नहीं घास इतना हरा हरा कैसे रहता है, मतलब अभी सर्दियाँ भी, जैसे अपने क्या होता है सर्दियों में बर्फ़ पड़ गई फिर आता है ब्राउन हो जाता है सब घास उस मौसम में, ये पता नहीं यहाँ पे हरा हरा कैसे रहता है। ये सामने कासल है, चलते हैं। मैं कह रहा था वेट ना, ये सब जो लोग हैं ना, थोड़े से लोग हैं क्रूज में, मतलब मेरे ख्याल से 10 लोग होंगे, ये निकल जाएँ तो मैं अपना आराम से अकेले फिर घूमूँ, बाद में भी टाइम है। तो ये अभी चल रहे हैं आगे आगे, थोड़ी और वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट ना, फिर खाली हो जाएगा, फिर हम आराम से अपना घूमेंगे। ये एक ग्रुप है भाई, हर जगह खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तकरीबन 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, नहीं हिल रहे तो मैं चला जाता हूँ आगे। अभी
ऑफ ऑल ऑफ यू। इन्होंने मुझे ही पकड़ लिया, फ़ोटो खींच दो हमारी। ठीक है चलो खींच ली फ़ोटो। ड्रोन नॉट अलाउड लिखा हुआ है। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। इस कासल का नाम है उर्कार्थ। तो कोई बंदा था मैकडोनल्ड, उसने अटैक किया था, तो ऐसे थोड़ा सा सार्कैज़म और ये सब बना रखा है यहाँ पे। बाकी जो मर्जी है यार, वाइब पूरी है यहाँ पे। GOT वाली वाइब अगर आपको लेनी है, और स्कॉटलैंड की वाइब भी है यार। इतना हरा हरा घास, ठंडा ठंडा मौसम, क्लाउडी सा, तो वाइब के तो पूरे नंबर हैं। नाक मेरी फिर लाल होगी ना, आज मैंने कैप पहनी है भाई। जुकाम जा ही नहीं रहा, 4 दिन से जुकाम हो रखा है, जा ही नहीं रहा। तो मैंने कहा आज मैं टोपी पहन के घूमूंगा। इधर सामने से अब ये कासल देखने के बाद, वो सामने जो ये है वहाँ से रोड जाती है, मतलब यहाँ पे आप बाय रोड भी आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बस वो बीच में फालतू में क्रूज़ उन्होंने घुसेड़ दिया। कितना सुंदर पेड़ है यार ये, उस पर 2-3 आई ड्रेवन्स बैठे हैं, अगर आपने GOT देखा है तो। चले यार वापस, अब वहीं चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, बहुत ठंड है। तो नेसी तो हमको नहीं दिखा, लेकिन अभी मेरी किसी से बात हुई, मुझे बता रही थी कहानियाँ, क्योंकि वो यहीं की रहने वाली है। तो बोली थी मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नेसी है, और मतलब काफ़ी कहानियाँ और भी कि इसके अंदर एक पोर्टल है, और ऑब्वियसली मतलब यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सुपरस्टिशन भी बोल सकते हो आप, लेकिन वही है ना कि वी डोंट नो एवरीथिंग, राइट। हम सब कुछ नहीं पता है स्पिरिट, मतलब मल्टीवर्स के बारे में नहीं पता हमें, कुछ और भी बहुत सारे यूनिवर्स होंगे या जो भी चीज़ें हैं वो फंडे हैं। तो मे बी सही में हो नेसी, राइट। तो मुझे तो नहीं दिखा, अभी टाइम आ गया जाने का वापस, बस हमारी खड़ी है तैयार वहाँ पे, तो निकलते हैं वापस और थोड़ा आपको शहर दिखाते हैं। इनवरनेस शहर कैसा है, सुंदर है, छोटा सा शहर है, आई वुड से बेटर देन ग्लासगो मेरे ख्याल से अभी तक मुझे लगा है। बाकी दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। On the left-hand side here, we've got Borlum Farm. They do some fantastic work with disabled riders. The roads down here as well. So, back in the day, the acorns, a type of coffee, and they would have been yearly clearances. So, we would have had wolves, bears, lynx, these that they've rescued. And I very stupidly asked him if. यार अब वापस आ गए हैं शहर में, और ये था मेरा होटल, मेरा रूम कहीं वहाँ पे था ऊपर, मतलब वहाँ से यही सेम व्यू था। अभी हमें शिफ्ट होना है एक हॉस्टल में, चलो जी चलते हैं। नहीं खाना खाना मैं इतने से रखा मैं हूँ इतने दादा मैं चल हैप्पी बर्थडे का तेरा बाय बाय। वो ओरिजिनल ना बस खत्म जाओ कराने अपने। तो यार बैक टू बैकपैकर लाइफस्टाइल, हॉस्टल में आ गए। ये बेड है मेरा, मतलब ये लोकेशन तो बहुत सही है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, और इसका मुझे पड़ा है 2600 के आसपास, उसमें ब्रेकफास्ट भी नहीं है। एक और हॉस्टल है यहाँ पे, वो 2800 का है, मेरे ख्याल थोड़ा सा बेटर होगा वो, तो आई चेक। मैंने इसमें एक आधी बुक करी है, अगर मुझे नहीं ठीक लगा, मतलब माहौल लग नहीं रहा कोई ऐसे ना हॉस्टल वाला, कोई लोग भी नहीं है, तो देखते हैं आज यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं कल शायद मैं चेंज करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्वरनेस में थोड़ा सा घूमना है, तो रुकना है यहाँ पे, बेस बना के ना इन्वरनेस को, यहाँ पे आई लव स्काई ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो देखते हैं हम पहले कि कैसे हो पाएगा वो। ठीक है तो आपको शहर घुमाते हैं अभी, क्योंकि 2 बज गए,
बस 1 घंटे की डेलाइट है और जाकर सनसेट, फिर ना फटाफट से शहर देख लेते हैं। तो यार 2:30 बजे हैं और देखिए क्या अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट। ये सामने चर्च है एक ऐसे ही, मतलब अच्छा ये देखो आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। मुझे लगा था कि मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ कहीं, ये देखो एक इंडियन रेस्टोरेंट, ये रहा सामने नेस महल, ठीक है गिनते रहना 1। अभी इस गली में 2 हैं और एक तो वो सामने दिख रहा है आपको लाल रंग का गली के एंड पे, वो है इंडियन रेस्टोरेंट, और एक दिखाता हूँ रुको यहीं पे है, ये देखो ये है राजा, राजा इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है ये तो लिखा है 1982 से चल रहा है चेन। वो सामने एक सैम्स इंडियन रेस्टोरेंट, तो 3 इंडियन रेस्टोरेंट एक गली में, भाई इन्होंने तो हद मचा रखी है। और कल मैं कहीं खाना खाने गया था तो वो पाकिस्तानी था, तो मतलब अपने लोगों ने कैप्चर ही कर रखा है भाई पूरा यूके, रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रही है अभी। अच्छा तो ये देखिए ये सेंटर आ गया शहर का, ट्रैफिक भी है थोड़ी बहुत बट ऑब्वियसली उतने बड़े शहर जैसे ग्लासगो लंदन वैसा नहीं है। ये सामने कूप आ गया सुपरमार्केट, इधर भी गया था अभी मैं आज कुछ कुछ लेने, और मतलब इसके बाजू में ही अपनी अपना होटल है, और मेरे को होटल की खिड़की से कल रात को ये दिख रही थी बिल्डिंग, ये भी कैथीड्रल सा ही है कोई। अभी सामने वो नदी है इनकी मेन जो मैंने आपको दिखाई थी होटल के रूम से, अच्छा व्यू है सामने। तो इधर आ गए हम इस साइड पे रोड की, ये सामने जो नदी है इसका नाम है रिवर नेस, तो वही रिवर नेस से इनवरनेस शहर का नाम, लोक नेस लेक का नाम, सब कुछ नेस नेस ही है। और सामने बड़ा सुंदर सा एक पुल है, वो क्रॉस के चलते हैं उल्टी साइड पे ना, शहर की उल्टी साइड पे चलते हैं भाई, कभी कभी डर लग जाता है यहाँ के। मैंने देखा है कि ड्राइविंग ऐसे ही कर रहे हैं लोग, ताड़ फाड़ सी। ये देखो अभी ग्रीन हो गया, चलो अब तो ये रुकेगा ही। कितना पीसफुल सा ब्रिज है, नहीं नाइस नाइस नाइस। तो इसको भी क्रॉस कर लेते हैं यार, अभी 3 भी नहीं बजे और ठंड हो गई है और रात पड़ गई है, ये यहाँ पे लाइफ, इसलिए लोग इतना सन को मिस करते हैं। जब ये आते हैं ना कभी, मैं देखता हूँ उनको बाली में, इंडिया में कभी मिलता हूँ इनको, यूरोपियंस को, तो इनका ये बुरे हाल इसलिए होते हैं बिकॉज़ ये इतना मिस करते हैं सन को। सुंदर तो है ये शहर, मुझे ऐसे पसंद आते हैं शहर छोटे छोटे से, बड़े शहरों में भाई मेट्रो में ही तुम मर जाते हो आधा दिन तो। लंदन में मुझे याद है मैं 2-2 घंटे मेट्रो में सोता था, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। एक्चुअली हमें एक हॉस्टल भी चेक करना है, तो मेरे ख्याल से वो उस डायरेक्शन में है, क्योंकि मुझे भाई इस हॉस्टल में मुझे मतलब वाइब आ नहीं रही, खाली सा है, तो मेरे ख्याल से चलो यहाँ से जाते हैं, फिर वो पुल क्रॉस करके वापस आ जाएंगे, और फिर हमें उधर जाना है नया हॉस्टल ढूंढने हैं। चलो जी, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है ना पुल, आपको पता ही होगा अब इतने वो अपने लक्ष्मण झूला राम झूला है ऋषिकेश में, जैसे हिलता है वो, वही वाला हिसाब किताब। मेरा तो जी नहीं भर रहा है इनको देख देख के ना, कितने सही लग रहे हैं, पुरानी पुरानी से बिल्डिंग। ये भी चर्च है, सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च लिखा है उस पर। चलो भाई अंधेरा होने से पहले और बारिश होने से, मतलब शहर में यही है, यही शहर है, अपना हॉस्टल ढूंढ लेते हैं, कुछ और होगा तो वो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद वीडियो में, नहीं होगा तो बता दूंगा कि वीडियो ख़त्म होगी, है ना। ये चेक करो आप, अरे वो रहा सामने मेरा होटल जिसमें मैं कल रुका था रात को, ये इतना बड़ा जो होटल दिख रहा है आपको ना, और मेरा कमरा भी ना शायद मतलब इसमें एक प्रिविलेज रूम होता है जो बड़ा दिख रहा है, कोई बीच में पिलर है ना, वो बड़े रूम है 4, है ना, हर फ्लोर पे एक रूम बड़ा वाला है, मेरा ये वाला रूम था 4th फ्लोर पे, है ना, हाँ सबसे ऊपर वाला, तो ये रूम दिया था कल मेरे को, कल मेरे को वहाँ से रूम से यही सब दिख रहा था ये।
आज देखो हम आ गए वापस हॉस्टल में, ख़त्म हो गई ऐश जितनी करनी थी कर ली, अब आई एम ऑन माई ओन। तो यार दूसरा हॉस्टल ये है, थोड़ा सा महंगा है, उससे ज़्यादा नहीं, 1-2 पाउंड महंगा है, बट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी वाइब, मतलब लोग तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन एरिया थोड़ा सा बेटर है। और मतलब एक प्रॉब्लम उनको लग रही है कि थोड़ा चल के आना पड़ेगा, थोड़ा दूर है मतलब बस स्टॉप से। चलो देखते हैं पहुँच के क्या करना है।